बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। अगर आपको हो ये बीमारियां तो वास्तुशास्त्र के अनुसार बदल डालें ऐसी आदतें। अगर यह हैबिट आप में है तो उसे निश्चित रूप से बदल दें। आइए आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि वह कौन सी आदतें हैं। कई बार बीमारियों की वजह हमारा आचार व्यवहार भी होता है। वास्तुशास्त्र में इस बारे में विस्तार से जानने को मिलता है। यही नहीं, वहाँ यह भी बताया गया है कि किस बीमारी का कारण हमारी कौन सी आदतें हो सकती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वह कौन सी आदतें हैं जो हमें रोग की तरफ लेके जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप पूर्व दिशा में पैर करके सोते हैं, मतलब दोनों पांव पूर्व की तरफ है और आपका सर पश्चिम की तरफ है, या फिर पश्चिम दिशा में आपने पानी को कोई सोर्स बना रखा है जो कि लीकेज है, तो इसे अवॉइड न करें। मान्यता है कि यह स्थितियां एक साथ कई बीमारी लेकर आती है। आप इसे निश्चित रूप से दूरी बना के रखें, इसे ठीक से रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर की ईशान दिशा में गंदगी या जाला हो, या फिर इस दिशा में घर की न इस्तेमाल होने वाली चीज़ें रखते हो, तो तुरंत ही इसमें सुधार कर ले। मान्यता है कि इस स्थिति से आए दिन गंभीर सिर दर्द का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपकी अग्निकोण में सोने की आदत है तो इसे तुरंत बदल डालिए। कहते हैं कि यह आदत बीपी की बीमारी का संकेत है। अगर कोई भी जातक ऐसा करता है तो बीपी की बीमारी से पीड़ित हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर कोई जातक संतान संबंधित समस्या से परेशान हो तो उन्हें घर के बीचों बीच सोना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने वाले जातकों की संतान संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं और निश्चित रूप से लाभ मिलता है। तो अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आप इसे अवॉइड न करें। आप उसका सलूशन ढूंढें, उसका उपाय करें और निश्चित रूप से स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सभी कार्यों में सफलता का माध्यम है। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।